दुआ करना है मत के लिए कि अल्लाह ताला जल्द सेहत अभी तंदुरुस्त दें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सिवा कोई नहीं। अल्लाह पाक करम करे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो, खरे सो, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। पिछले हफ्ते से अहमद के राइट साइड पे इतना तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मैंने कहते रहे कि हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, तो आज मैंने लेकर गई हूँ हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, आपने ये देखा है अल्ट्रासाउंड हो रहा है अहमद का, और बाद में पता नहीं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं क्या नहीं, पूछेंगे फिर आपके साथ पूरी तफसील शेयर करेंगे कि अहमद को क्या डॉक्टर ने मसला बताया क्या नहीं। ये देखे अहमद की अब लेफ़्ट साइड पर वो रखी जा रही है मशीन, और दुआ कीजिएगा आप के अल्लाह ताला अहमद को शिफाए कामिला अता फरमाए मेरे बच्चों के वसीले, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सिवा कोई नहीं है अहमद के सिवा। अल्लाह ताला रहम करे, अपना करम करे हम पर, और जल्दी से अहमद से सेहतियाब हो जाए, क्योंकि आज की वीडियो मैंने अकेले में ही बनाई है। अभी करवाया है अहमद का अल्ट्रासाउंड, घर चल के मजीद डिटेल के साथ शेयर करेंगे। परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो कुछ नहीं। मैं ये परेशानी ये होगी कि चार दिन से अहमद को दर्द था, पेन था बहुत ज़्यादा गुर्दे में, तो आज हमने ये अल्ट्रासाउंड करवाया है। मैं आपको ये अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ, घर चल के मैं आपको डिटेल पूरी शेयर करूँगी। गुर्दे में बारीक बारीक पत्थरियाँ हैं, तो दवाई ले लें आप, इंजेक्शन उन्होंने दिया है, इंजेक्शन ले लें, दवाई ले लें, मेडिसिन, तो घर जाकर इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी। दुआ करना है मत के लिए कि अल्लाह ताला जल्द सेहत अभी तंदुरुस्त दें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सिवा कोई नहीं। अल्लाह पाक करम करे। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, रूम में कोई नहीं, आने वाले हैं। अहमद को इंजेक्शन दिया गया है, दिखाए हैं इंजेक्शन। अहमद दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अहमद को पेन है, दुआ कीजिएगा। फिर मैं आपको डिटेल में घर जाके बताती हूँ दवाई लेकर कि उन्होंने दवाई दी है और कितने दिन बाद हमें दोबारा बुलाया है। मल लो इसे अच्छी तरह से, दवाई ठहरे ना, बस मेडिसिन वगैरह ले लिए हैं, घर चल के जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें दी हैं। पेन बहुत ज़्यादा है, चले अहमद को मैंने यहाँ पर लेटा दिया है कि तुम आराम करो। अहमद कुछ बना दो तुम्हारे लिए? नहीं अभी तो बस पहले ये दर्द था, अभी ये जो इंजेक्शन लगा है ना उसका इतना दर्द हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। तुमने मसला था इसे? हाँ ना, काफ़ी दर्द है। हाँ अच्छा तुम आराम करो, मैंने देखो अभी तक बुरखा भी नहीं उतारा, मैंने बुरखा भी यूँ ही पहना हुआ, और ये अहमद की दवाई हैं सारी, ये रे जो डॉक्टर ने दी हैं, ये देखिए ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है अहमद की, ये रे, और ये दोनों यानी कि गुर्दों में पथरी है। तो ये है अहमद के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये सीधे की तरफ की है ना अहमद? कौन सी वाली? ये वाली, पहले वाली? नहीं, ये वाला मसाना है। अच्छा ये मसाना, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट है। हाँ जी, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ये है कि स्टोन है, जो राइट किडनी है उसके अंदर दो पथरी हैं, और जो लेफ्ट है, और जो लेफ्ट है उसके अंदर एक है। अच्छा उसमें एक है, और ये मेडिसिन वगैरह जो लिख के दी थी ये है, लेकिन ये राइट है ना, इधर ये राइट जगह है ना, ये जगह, तो इस जगह पे जो है ना ये राइट साइड है, इसी में दो हैं, तो इसी में दर्द ज़्यादा है। अच्छा इसी में दो? हाँ तो इसी में तुम 3 दिन से करते ना कि दर्द है, मैं भी तो आपसे कह रही थी कि दवाई ले आओ,
तो आपने एक्शन नहीं लिया था, लेकिन आज आपने एक्शन लिया है। रात को ज़्यादा तकलीफ थी ना तो ये दी है डॉक्टर साहब ने सिरप इन्हें पीने के लिए। उन्होंने कहा पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई है क्योंकि मेरे घर में ये एक कमाने वाला है। अल्लाह रहम करें मेरे बच्चों के वसीले से, अल्लाह मियाँ मेरे मियाँ का वो सेहत तंदुरुस्ती दे। ये इनकी मेडिसिन है, इनका नाम है, और एक ये है ये लेग्स केम है, और ये वाली, और ये वाली जो है ये है रेड राइन, रेड राइन, ये वाली रेड राइन है, और ये वाली लेग्स केम है। हाँ जी। और ये वाली है जी केस्टोन, केस्टोन शरबत है, और ये दो टाइम, ये भी दो टाइम है, और ये भी दो टाइम, ये दो टाइम है, ये तीन टाइम है, ये वाली तीन टाइम है, ये वाले तीन टाइम है, वो दो टाइम है, शरबत भी दो टाइम है। तो डॉक्टर ने कहा सैटरडे को फिर आना अहमद, अब लापरवाही नहीं करनी आपने, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। आपको पता है कि मुझे घर भी देखना हो पड़ता है, बच्चों को भी, आपको भी। तो आपने अभी इस मामले को सीरियस लोगे, मुझे जितनी तकलीफ है मुझे पता है। तो आप तीन दिन से थे लेकिन तुम आज गए हो, ये पिछले हफ्ते से तीन दिन से नहीं है। हाँ तो फिर, लेकिन महसूस नहीं हो रहा था ना, रात से ज़्यादा तकलीफ हुई। और डॉक्टर कहने लगे इन्हें कि आप बहुत खुश नसीब हो जो स्टार्टिंग में आपको दर्द हो गए, लेकिन बाद लोगों को जब पथरी पूरी बन जाती है जब दर्द होता है इसी तरह से, लेकिन आप खुश नसीब हो कि आपकी पथरी बनते हुए आपको पेन हुआ है, तो आपने एक्शन लिया, तो आप अब इस चीज़ को सीरियस लोगे। आप सब बहन भाई मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आप सबसे अपील है दुआ की कि अहमद के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, मेरे हस्बैंड को लाइफ टाइम की थोड़ा सा से मजाक कर लो क्योंकि हंसवालू छोते से कुन हंसवालू, क्योंकि टेंशन है तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इंसान को ना हंस के फील करनी चाहिए। और थोड़ा सा मुझे थोड़ी देर कर देना, थोड़ा सा पानी पिला देना। चलो मैं पिलाती हूँ आपको पानी, सही है। तो मैं मिलते हैं बाद में, अहमद को कुछ खिला पिला लूँ, हल्की फुल्की सी गिजा, लेकिन डॉक्टर ने मना नहीं किया, उसने कहा सब कुछ खाओ, तो पानी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपकी यहाँ पर रख देती हूँ एक बोतल पानी की, भर के ठंडी नहीं सादी। चलें, डॉक्टर ने सिर्फ ये दाल खाने को कहा अभी, और इसके अंदर भी राबिया ने जो है लीमू डाले हैं। कितने लीमू डाले हैं राबिया? दो लीमू इसके अंदर डाले हुए हैं। दाल है, रोटी का दिल ही नहीं कर रहा खाने को। अक्सा साथ में बैठी हुई परेशान हो रही है, क्या हुआ अक्सा? अक्सा की आंखों में भी आंसू आ रहे। आज अक्सा भी हमारे साथ में थी, जिस वक्त हम हॉस्पिटल गए हैं तो अक्सा ने वहाँ पे परेशान होगी, कहने लगी अम्मी अम्मी अब्बू को क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, दुआ करो अल्लाह रहमत करे। तो कहने लगी अल्लाह पाक मेरे अब्बू को खैर कर दे, ऐसे कह रही थी। बोलो ना कि ये देखें, आज हमें जाना था शादी में और हम लोग शादी में भी नहीं गए क्योंकि अहमद की तबीयत सही नहीं है। अक्सा साथ में लेटी हुई है क्योंकि अक्सा खेलती रहती है, आज उसे पता है ना कि उसके अब्बू की तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी। तो शादी हो गई हमसे मिस, अहमद की अचानक होगी तबीयत ख़राब। अहमद के लिए दुआ करना प्यारे बहन भाइयों के, जल्दी से सेहतियाब हो जाएँ। काफ़ी देर के होने के बाद मैं मामू के घर से वापस आई हूँ। मुझे मिस्त्री बुला कर लेकर आए हैं कि बाजी पैसे दे दें, बच्चों को भेजा, बच्चों ने कहा कि अम्मी मिस्त्री बुला रहे हैं और वो पैसा मांग रहे। तो अहमद का दिल कर रहा था चाय को, अहमद करने के रहा मुझे चाय बना के दे दें, तो मैं बना रही हूँ अहमद के लिए चाय मिल्क पैक डब्बे की। ये है मिल्क पैक का डब्बा, और एक डब्बा डाला मैंने कहा चलो एक कप अहमद के लिए बना देती हूँ और एक कप मैं अपने लिए बना लेती हूँ। चाय हो गई हमारी तैयार, तो चाय को हम कपों में डालते हैं। अच्छा हम कहते हैं कप, और हमारे सराय की जुबान में कहते हैं, ससुराल की जुबान में कहते हैं कोप। सॉरी कैमरा बहुत ऊपर चला गया था मुझसे। हमारी रेडी हुई और अहमद के पास लेके चल रहे हैं चाय। अहमद ये लो चाय। मैं मामू के घर पे गई हूँ और तुमने मौके से फायदा उठाया, सो गए। तबीयत मेरी सही नहीं थी, सोना तो था। मुझे तो सोने नहीं देते। सोना तो था,
दुआ कीजिएगा क्योंकि आज मैं फुल ऑफ कैमरा रही हूँ। अहमद के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, इनके बच्चों के नसीब के। चले दीजिएगा, मैं यहाँ पर इजाज़त, अपने रखेगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखेगा मैं याद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।